जैसा कि जानकारी सूत्रों से मिल रही है, वकील बता रहे हैं कि सुनवाई होगी, फैसला सुना जाएगा आगे। उनका वार्ता पत्र खारिज हो गया, इसको हिंदुओं का जीत मानिए, जज ने पूरी फैसला को खारिज हो गया। 22 तारीख को डेट लगी है, 22 तारीख को डेट लगी है, देखिए अगली सुनवाई 22 तारीख को। इस मामले में जो प्लेजेस ऑफ कश्मीर एक्ट को लेकर इसे बंद करने की मामले को जो मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा था, इसकी पोस्टरिता को नकारने की मांग कर रहा था, वो सारी बातें खारिज कर दी है कोर्ट ने। अब आप सुन रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या कैसे सुनवाई में क्या बोल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर सुनवाई के लिए यार जिस तरह की आज कोर्ट में हमारी तरफ से कहा गया है, और देखिए जयकारे का उद्देश्य आप सुनिए, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो इंतजार कर रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वह फैट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नौ को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इश्यूज फ्रॉम बहुत, देखिए जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वफ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22 नौ आगे अब इस तो अगली तारीख 22 बताया जा रहा है कि 22 तारीख को, अगली 22 तारीख को यह मामला सुना जाएगा। जिस तरह से वकील इस मामले की जानकारी दे रहे थे, और इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।